नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान में आज 4 घंटे के लिए बंद किया गया था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षा कारणों से सरकार ने दिया था आदेश। राज्यों में ऑक्सीजन पूर्ति के लिए पीएम मोदी की समीक्षा बैठक हुई खत्म, मोदी ने दिए कई अहम निर्देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा 8 महीने में दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, निजी हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। घर पहुंचा सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो व जम्मू कश्मीर का लाल राकेश्वर सिंह मनहास, बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल में रहे थे 6 दिनों तक। बंगाल में जेपी नड्डा बोले, ममता बनर्जी समेत सभी टीएमसी नेता हैं दलित विरोधी। बंगाल सीआईडी ने कूच बिहार गोलीकांड मामले की जांच की शुरू, जल्द होगी मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर दो टूक कहा, अगर लॉकडाउन लगा तब भी आंदोलन चलता रहेगा। कश्मीर के व्यापारी से जबरन वसूली करने वाले पंच समेत 3 गिरफ्तार, सरपंच हुआ फरार। कोरोना को लेकर एनडीए परीक्षा को स्थगित करने के लिए उम्मीदवार लगा रहे हैं गुहार, पिछले साल भी स्थगित हुआ था एग्जाम। यूपी में भी अब हर रविवार लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, मास्क ना पहनने वालों पर ₹10,000 तक का लगेगा जुर्माना। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी में नहाने गए 5 लड़के डूबे, परिवार और गांव में छाया शोक। दिल्ली में आज 10 बजे रात से शुरू होगा 55 घंटे का कोरोना कर्फ्यू, बिना काम के घर से ना जाए कहीं बाहर, जरूरी सुविधा रहेगी चालू। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बरगारी मामले पर गठित एसआईटी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर बोला हमला, सिद्धू ने कहा एसआईटी का मतलब सिट डाउन हो गया है। एजेएल प्लांट आवंटन मामले में कांग्रेस को लगा झटका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने किए आरोप तय। मां नंदा देवी की छतौली शोभा यात्रा में होगी शामिल, हरिद्वार में कराया जाएगा देवी डोली का कुंभ स्नान। सैनिक मार्केट के निदेशक की नियुक्ति का मामला पहुंचा रांची हाईकोर्ट, वित्तीय अनियमितता का है आरोप। एमपी के इंदौर में कोरोना के चलते मरीजों के स्वजनों से मनमानी रकम वसूली और कलेक्टर को एप्पल अस्पताल से मुहैया कराए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के हेराफेरी के साथ कई गलत जानकारी देने पर की गई कानूनी कार्रवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्वतंत्र रिसर्च टीम ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि किसी भी वैक्सीन की तुलना में कोविड-19 से ब्रेन ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज्यादा होता है। ईसीबी ने दी जानकारी, कहा कई महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे बेन स्टॉक्स, आईपीएल के 14वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेला था एक मैच। जानवी कपूर ने कॉर्डी बी के गाने पर किया शानदार डांस, फैंस कह रहे हैं क्विटनेस की दुकान। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।